बेसहारा मजदूर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप उनके आत्म सम्मान और आजीविका को रोंदे जा रहे हैं। निर्मला जी, आदरणीय मोदी जी, क्या मजदूर की बेबसी अब आपको ड्रामेबाजी लगती है? सैकड़ों हजारों किलोमीटर पांव में छाले लिए नंगे पांव टूटी हवाई चप्पल के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? भूखे प्यासे बगैर रोटी और दवाई के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? पीठ पर सामान उठाए, पेट पर बच्चा उठाए चलने वाला मजदूर हमारे भाई और बहन अब आपको ड्रामेबाज लगते हैं? 135 जिंदगियां मजदूरों की ली ली गई, परंतु ये आपको ड्रामेबाज लगते हैं? देश के मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों का अपमान मत कीजिए, ये घोर अपमान है, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। संवेदनहीन, सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे, अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। हम मोदी जी की तरह ड्रामेबाज नहीं, जो जब वोट चाहिए हो तो मजदूरों के पांव धोते हैं, और जब 60 दिन 70-80 दिन से मजदूर पीड़ित और व्यथा के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा है तो उसकी टिकट का किराया भी माफ नहीं करते। मोदी जी, निर्मला जी, इस देश का मजदूर आपसे हुंकार हुंकार कर कहता है, चित्कार कर कहता है, आपने अपमान किया है इस देश के मजदूर, कामगार और श्रमिक का, फौरन उनसे माफी मांगिए।